सो हे गाइस, आज की वीडियो में बनाने का ट्राई करते हैं नारायण जी के लिए शेषनाग। शेषनाग में 5 मुंह वाला बनाने वाला हूं, तो आपको भी इसी तरीके से ट्राई करने का कोशिश करना है। सबसे पहले हम 4-5 पैकेट की जो क्ले है उसको एक जगह मिला के कुछ इस तरीके से एक लंबी सी रस्सी बना के उसको रोल करके स्नेक का बना लेंगे। अब हमें बनाना है 5 मुंह वाला, तो हम 5 के 5 मुंह बनाएंगे, पर जो इसमें बीच वाला होगा वो सबसे बड़ा रहेगा। फिर इन दोनों को इस तरीके से अटैच कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। अब येलो कलर की हमें क्ले लेनी है, उसकी छोटी छोटी गोली बना के इस स्नेक के चारों तरफ लगा देनी है कुछ इस तरीके से। ये हमें पूरे के ऊपर लगा देनी है, तो हमारा इसका जो डिज़ाइनिंग है वो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। होप तो आपको पसंद आ रही होगी। हाँ, अगर आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक करो, एक शेयर करो और कमेंट में बता के जाओ अगला क्या बनाना है, तो आपको उसी से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम इसके नीचे की तरफ लगा देते हैं मूर्ति कुछ इस तरीके से, जो कि मेरे पास मेटल की है। आपको जिस तरीके की मूर्ति लगानी है लगा लेना है। अब इसके अंदर हम बना देंगे जो सांप का डिज़ाइन होता है ना फन के अंदर, उस तरीके से हम बना लेंगे। और इसको चिपकाने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। अब हम बना लेंगे जो सांप की जो 2 पूंछ होती हैं वो बना लेंगे, 5 के 5 मुंह में हम बना लेंगे और ये इस तरीके से रेडी हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं तुम्हारे से अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक लाइक कर दो, एक शेयर कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं तुम्हारे से अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।